भरी महफिल में आका की अलल ऐलान कहता हूँ, भरी महफिल में आका की अलल ऐलान कहता हूँ, भरी महफिल में भरी महफिल में आका की अलल ऐलान कहता हूँ। जो दुश्मन गए नबी का वा, जो दुश्मन गए नबी का वो हमारा वो नहीं सकता, जो दुश्मन है नबी का वो हमारा हो नहीं सकता। मोहब्बत प्यार का ईमान का प्रचल तुम्हें देंगे, मेरा पाया है हर जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई है, हमें गंगा चल दो जमजम तुम्हें देंगे, हमें गंगा चल दो जमजम तुम्हें देंगे। हमारे दरमियान जावेद साहिब साहब है, निशान जागरबादी साहब है और तमाम लोग बैठे हुए डॉक्टर साहब की मौजूदगी। चार मिसरे पढ़ के मैं फिर चाहता हूँ एक ऐसे होनहार शायर को आपके अदालत में पेश करूँ, तवज्जो से सुनिएगा। ये भी शेर जनाब प्रधान साहब के हवाले से कि अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। शेर सुन लीजिए लह करके, ये सुभान अल्लाह। अगर खामोश रहता हूँ, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ाकर वरना आपस में ये सियासत मार डालेगी। आइए अब बिला तहकीक माशाल्लाह देखिए, अब ऐसा है अब भाई, अब जो है सीधे से मैं इस वक्त चाहता हूँ हिंदुस्तान का मोतबर शायर जो उड़ीसा बंगाल बिहार जिसकी पांव की धूल बन चुका है, जिसने बैनुल अक्वामी का इंतखाब हासिल इसलिए किया, इसलिए उसको लकब मिला क्योंकि नेपाल जिस सरहदों पर जिसका कलाम बड़ी खूबसूरती से सुना जाता है, उस शायर को आपके अदालत में पेश करना चाहता हूँ। शेर ये कहता है जिया कि सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के भी दल्लह करके ये सुना दूंगा। हरी वो शरीर है बहुत जबरदस्त है, बड़ी पावरफुल आवाज है कि सारे दरे को छोड़ के एक दर पे पढ़ के दे, पानी जरूर निकलेगा एड़ी रगड़ के दे, और कोई अबूल है अपना कुछ कर सकेगा, पागल मेरे नबी का दामन पकड़ के दे, मेरी मुराद जीवाकार मुअज्जिज़ अब्दुल्अज़ीज़ हसीनो जमील जिसकी तारीफ जहां तक की जाए कम है, बस सदरी से पहचान लीजिए यही वो जावेद साहिब सीतापुरी। कह दीजिए नारे तकबीर लगाइए, आली जनाब उस्ताद सोहरा डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब और पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत निजामत जो चल रही है, आली जनाब मौलाना सियाउद्दीन जिया साहब अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इसी तरह इनकी निजामत हमेशा चलती रही है। हमारे दरमियान में बहुत से लोग मैं आपके लिए कोई नया नहीं है, बारह आपके दरमियान में रहता हूँ और हमारे दरमियान में बहुत से लोग जो कटरा से भी कटरा सिमरी से भी आए हैं और कुछ मेरे ही गांव से बेचारे चाहने वाले आली जनाब मुकीम साहब
जो हमारे यहाँ गांव के पीडीसी हैं, वो भी तशरीफ लाए हैं, और हाफिज नफीस साहब और हाफिज सहीक साहब, आजम साहब, मोनी साहब, और कटरा से हमारे मोइन भाई जिनकी सब्जी की बड़ी खूबसूरत दुकान है सेमरी पे, मैं अक्सर वहीं से सब्जी लेता हूँ, बहुत उचित दामों में देते हैं, आप भी खरीद लीजिएगा, वो भी तशरीफ लाए हैं, और हमारी बस्ती के शायरों से दोस्ती करने का बहुत फायदा अच्छा होगा, और माशाल्लाह मौला रफीकुद्दीन साहब भी और दीगर हजरात तशरीफ फरमा है, और हमारे नौजवान शाहिद साहब, और बड़ी मेहनतें इस प्रोग्राम को रचाने बसाने में जिन्होंने की है, आली जनाब हाफिज इरफान साहब जो लुहमपुर से तशरीफ लाए हैं, और मेरे दोस्त मेरे अजीज आली जनाब इज्जत माफ हजरत मौला मुराद अली साहब, जो मेरे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, और मेरे करीबी भी हैं, पड़ोसी भी हैं, और मुझे बहुत महबूब भी हैं, और बड़ी मेहनतों से इसको सजाया है, नूर आलम साहब जो इसको कवर कर रहे हैं इंशाल्लाह एक हफ्ते में, आपकी मोहब्बतों को पूरा हिंदुस्तान देखेगा। आइए, अभी बहुत उछल कूद हो रहा था और ये बहुत अच्छी बात है, और बड़ी दुआएं आपकी तरफ से मिल रही थी। आइए अभी अली जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब, तो उनकी मिसाल तो ऐसी है जैसे कि सूरज को चराग दिखाने के मुकाबले, बहुत अच्छा कलाम उन्होंने पढ़ा, बहुत आपने दुआएं, उसी में मैं भी डुबकी लगाना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी दुआएं मुझ तक जरूर पहुंचेंगी, और जलाल साहब और दीगर हजरात तशरीफ फरमाए, मतलब हाजिर करता हूँ, उससे पहले आप दुरूद पाक पढ़ लें, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد البارك وسلم صلى الله عليه وسلم। बहुत अच्छा मैं आपका बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप आवाज बढ़ा दीजिए इसकी, मैं मतलब हाजिर करता हूँ, और मतलब ऐसा है सीधे सीधे आपकी समझ में आएगी बात, और समझ में आए तो आपकी दुआएं चाहूंगा, मतलब पेश करता हूँ, मौलाना फरमाए कि कोई अल्लाह का सुभान अल्लाह, कोई अल्लाह का, कोई अल्लाह का इतना दुलारा हो नहीं सकता, पूरा मजमा पीछे में कह दे सुभान अल्लाह, बंदा बस कह दे सुभान अल्लाह, कोई अल्लाह का, कोई अल्लाह का, कोई अल्लाह नारे वाला भी जिंदाबाद है, माशाल्लाह। देखिए मेरा बहुत अच्छा मतलब था, बहुत से लोगों ने दुआएं दी, जिन्होंने दुआएं दी है इस्तेमाल किया, आप उनके लिए एक मरतबा कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मैं मतलब दोबारा हाजिर करता हूँ, श्रद्धा मौलाना फरमाए कोई अल्लाह का इतना बुलारा हो नहीं सकता, कोई अल्लाह का इतना बुलारा हो नहीं सकता, मोहम्मद मुस्तफा जैसा दोबारा हो नहीं सकता, मोहम्मद मुस्तफा जैसा दोबारा हो नहीं सकता, सुभान अल्लाह, वाह वाह भाई जावेद,
माशाल्लाह इससे खूबसूरत शेर हाजिर करता हूँ। पेश करता हूँ मौलाना फरमाए, जितने आज के रसूल यहाँ पे तशरीफ फरमा है इंशाल्लाह सबकी दुआएं मिलेगी। मैं शेर पेश करता हूँ आली जनाब जियाउद्दीन साहब बतौर खास पेश करता हूँ मौलाना फरमाए कि भरी महफिल में आका की अल्लाह लानत माशाल्लाह इन नौजवानों इन सियालों के लिए मैं तो आप अपना कहते सुभान अल्लाह। मैं दोबारा पेश करता हूँ मौलाना फरमाए कि भरी महफिल में आता की भरी महफिल में आता की अल्लाह लान करता है फरमाए। बहुत से लोग यहाँ तिजारत करने वाले तशरीफ फरमा है, लेकिन तिजारत कैसी होनी चाहिए आली जनाब मौलाना जियाउद्दीन साहब एक शेर पेश करता हूँ और अगर समझ में अच्छा लग जाए तो आपकी दुआएं चाहूंगा। मौलाना फरमाए कि जो सुन्नत के मुताबिक देखिएगा बतौर खास जो सुन्नत के मुताबिक जो सुन्नत के मुताबिक अपना कारोबार करते हैं सुन्नत के मुताबिक अपना कारोबार करते हैं शेर भी बतौर खास मौलाना फरमाए। एक शेर ऐसा है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो शख्स इस शेर पे नहीं बोला तो मैं ये समझूंगा कि उसका यहाँ आना बेकार है और उसके ईमान में जरूर कमी है। मुझे जी अरे माशाल्लाह आली जनाब डॉक्टर शरीम रावपुरी साहब तशरीफ फरमा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हर एक शख्स बोलेगा। पढ़े लिखे लोग हैं डॉक्टर साहब बड़े अदबी लोग सिर पे श्रद्धा मौलाना फरमाए के लबिका उम्मती होकर जलना रे जहन्नम में
माशाल्लाह। आप अगर एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह, जो बेचारे जो 10-5 रुपये दे रहे हैं, आप उसको ये न समझिए कि मैं इसी के लिए आया हूँ। लेकिन जब बात खांसे में डॉक्टर साहब बैठ जाती है तो इंसान अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। ये बेचारे बहुत कमजोर है, लेकिन कहीं कहीं एक पैसे की कीमत भी बहुत होती है, जो मोहब्बत से अल्लाह के रास्ते में दिया जाए, वो भी चूंकि नबी की नाक के ऊपर दे रहे हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं। मैं उन गुलामे नबी के नाम ये शेर पेश करता हूँ, अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। पेश करता हूँ मौलाना फरमाए शाहिद भाई, भले सारा जमाना भले सारा जमाना साथ गुस्सा छोड़ दे लेकिन भले सारा जमाना साथ गुस्सा छोड़ दे लेकिन भले सारा भले सारा जमाना साथ गुस्सा छोड़ दे लेकिन गुलामे मुस्तफा वारा गुलामे मुस्तफा तो मोहब्बत दुआएं जिंदाबाद। जब जब आली जनाब डॉक्टर शरीफ रामपुरी साहब जैसी शख्सियत अगर इनाम से नवाज हुई तो गोया गोया मेरी शायरी की मेराज हो गई। आप अगर डॉक्टर साहब के लिए मतलब कह दीजिए सुभान अल्लाह, और डॉक्टर साहब का साया का देर हमारे रात के दरमियान कायम और दायम रहे, और अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। एक शेर और पेश करता हूँ मौलाना फरमाए, पीछे कुछ हमारे बुजुर्ग हजरात ने तशरीफ फरमा है। स्टाफ यहाँ पे टोपियां और अक्सर लोग तो हाफिज आलिम नजर आते हैं। एक शेर पेश करता हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सबकी दुआएं मुझ तक पहुंचेंगी। पेश करता हूँ मौलाना फरमाए के एदारे एक से बढ़कर एदारे एक से बढ़कर है हिंदुस्तान में लेकले प्रधान जी कहाँ चले गए? माशा ऐसी उम्मीद नहीं है, इंशाल्लाह कहीं नहीं कहीं होंगे या तो टूटे वगैरह लेने गए होंगे। प्रधान जी टूटे नहीं, पूरे पंजाब आए हैं माशाल्लाह, मगर वो आएंगे कब तक? मैं उनके हवाले से पेश करता हूँ मौलाना फरमाए हजरत, पेश करता हूँ कि लगी जावे जिस दिल में मोहब्बत मेरे आका के, तो दीजिए आप बड़ा सुभान अल्लाह। लगी जावे जिस दिल में लगी जावे जिस दिल में मोहब्बत मेरे आका के अल्लाह तुमको सलामत रखे। एक मतलब हाजिर करता हूँ और हमारे नबी साहब भी तशरीफ फरमा है, यूसुफ भाई साहब भी,
एक मतलब पेश करता हूँ। अच्छा ये बताइए मदीना तक कौन जाना चाहता है? बहुत अच्छे, वाह माशाल्लाह। बाज़ लोग धीरे धीरे से उठा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि पैसे से कम है, अभी जाना पड़ जाए, कभी भी जा सकते हैं आप, इरादा रखें इंशाल्लाह, इरादे में भी आपको सामान मिलेगा। एक मतलब पेश करना चाहता हूँ और हमारे दरमियान आली जनाब हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन ज़िया साहब ऐसी शख्सियत है कि चूंकि इनका उनके लिए महफिल बहुत छोटी है, बड़े बड़े प्रोग्रामों की निजामत अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनसे और अधिक काम लेगा। इनके हवाले से मतलब पेश करता हूँ, मुलाकात फरमाए देखिएगा कि लंदन, हर आदमी तमन्ना करता है कि हम लंदन घूमाए, पेरिस, लेकिन मेरी इस लाचीज की तमन्ना क्या है? तमन्ना आपके घर अगर हमारी मैच करती है तो यकीन आप सुभान अल्लाह कहिएगा कि लंदन, मौलाना देखिएगा कि लंदन 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 न मुझको मिसिर के बाजार में चलो मुझको मिसेर दे बाजार ले चलो लंदन ना मुझको मिसेर दे बाजार ले चलो कमेटी वालों में बड़ा आभारी हूँ आप लोगों का, माशाल्लाह। हमारे अब्दुल्ला भाई सुहेल भाई साहब ने दुआ से नवाजा, पेश करता हूँ मौलाना फरमाए मुझको मिसिर के बाजार ले चलो मुझको दिखाने राजे सरकार ले चलो। और एक मतलब नौजवानों के हवाले पेश करता हूँ और मुझे भी उम्मीद है इंशाल्लाह नौजवानों को भरपूर मजा आएगा, पेश करता हूँ देखो लगता है पास किचर किचर चाह है जग में, देखिएगा किचर चाह है जग में चर्चा है जग में चर्चा है जग में जिसके हुस्नो जमाल का भला कह सकते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर तो नहीं पड़े आप नबी के चाहने वाले, हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। चर्चा 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 है जग में जिसके हुस्नो जमाल का हुस्नो जमाल का चर्चा है जग में जिसके हुस्नो जमाल का हुस्नो जमाल का चर्चा है जग में जग में लल्ले से लाल का मेरा बीबी तेरे लल्ले से लाल का। अरे वाह, बड़े तो बड़े हैं, जवान तो जवान है, बच्चों को भी नहीं बख्शा जावेद ने। अरे माशाल्लाह, सलाम पर बड़ी मोहब्बत है मिल रही है। और हमारे कुछ साथी भी ऐसे जिनकी सबरी चौराहे पे मोटरसाइकिल की दुकान है, बहुत अच्छी बनाते हैं भाई साहब, जिसकी खराब हो मोटरसाइकिल रब्ता कर सकते हैं आप। इनके हवाले शेर पेश करता हूँ, बहुत अच्छे हैं, इनका मिजाज बहुत अच्छा है, दिल के बहुत साफ है। शेर एक पेश करता हूँ मौलाना फरमाए के आमीला बीबी तेरे लल्ले से लाल का। और ये शेर बहुत ही खूबसूरत मुकीम भाई देखिएगा, पेश करता हूँ मौलाना फरमाए
कि आका के आगे आगे, देखिएगा, आका के आगे आगे जन्नत में जाएंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह, मोहम्मद जव्वाद। एक नारा मोहम्मद जव्वाद, बहुत बढ़िया नारा लगाता है जव्वाद, फिर जव्वाद है ना, क्या बात है। आ जाओ पढ़िए, जव्वाद साहब ने तो इस महफिल को बरकरार रखा है और इसमें रूह फूंकने का काम जो आप कर रहे हैं उसको इन्होंने आबाद रखा है। एक चेयरमैन के हवाले से एक मतलब पेश करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह यकीन हर एक नौजवान के दिल की धड़कन आली जनाब जियाउद्दीन साहब उनके हवाले से पेश करता हूँ मतलब बड़ा फरमाए ये आता हो के आए खुदा आए खुदा, देखिएगा के आए खुदा आए खुदा आए खुदा आए खुदा हाय मेरी दुआ आए खुदा आए अरे मोहम्मद अहमद साहब भी तशरीफ ले आए बंदहा से माशाल्लाह, पहना दो फिर निकाल दिया जी, मैं दोबारा हाजिर करता हूँ, पेश करता हूँ हाफिज इरफान साहब भी तशरीफ ले आए, मैं दोबारा ही मतलब पेश कर, आप उधर मत देखिए, इस वक्त सबसे खूबसूरत मैं हूँ, क्यों हूँ इसलिए कि मैं नात पाक पढ़ रहा हूँ शाहिद भाई और हाथ जी हार भी तो डाले हैं जी जी माशाल्लाह, प्रधानमंत्री बना दिया आपको जी, अरे मिर्जान साहब भी तशरीफ ले आए, आते आते ही दुआएं मिल गई थी माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं इंशाल्लाह, मौजूद रहिए, मैं मतलब पेश करता हूँ हासिम उस्मानी साहब के नाम जो महमूदाबाद की अदबी सरजमीन से तशरीफ ले आए हैं, मैं इनके हवाले से मतलब दोबारा पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ मौलाना साहब, पूरा मजमा एक मरतबा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह, अये खुदा अये खुदा अये खुदा अये खुदा, देखिएगा मेरा
तुझको मालो जाए लती के मुझे जरूरत नहीं मुझको माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बाबा 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 क्या बात है। नजरानो अकीदतो मोहब्बत को जिया सलाम करता है के मैंने माना की बेशक। देखिएगा मौलाना रफीउद्दीन साहब मुजीब साहब के मैंने माना की बेशक के मैंने माना की बेशक गुनाह हजरी की धूप में अरे जल लगा है बदन अपनी कमली में आका छुपा लिया ऐ खुदा शेर बदला पेश करता हूँ आपके हवाले। आप थके तो नहीं है इसलिए कि बहुत देर बाद मोहतबर शोर आएगा जिनके चेहरों के ऊपर आपकी निगाहें टिकी हुई हैं माशाल्लाह। अरे बुजुर्गों से जब कोई दुआ मिल जाती है वो यकीनन जिंदगी भर फायदेमंद होती है। क्या बात है। वो पैसा या इनाम देने दे पर उनकी दुआ ही मेरे लिए काफी है और ये दुआओं का ही समरा है जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ और कुछ पढ़ रहा हूँ बोल रहा हूँ। जी यकीनन बहुत अच्छे मतलब पेश करता हूँ मौलाना फरमाए हजरत देखिएगा के बारात देखिएगा बारात के बारात परे से तो दे फिर दाड़ के आए है पूरा मजमा एक बता सुभान अल्लाह कह दे के बारात फरिश्तों की बारात फरिश्तों की फिर दौड़ के आई है बारात फरिश्तों की फिर दौड़ के आई है बारात फरिश्तों की फिर दौड़ के आई है बारात फरिश्तों की इतनी सी कमाई है
बस इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आपसे रुखसत होऊंगा। अगर भाई साहब ने फरमाइश की थी पूर्वी की, पढ़ दो क्या आप अपना चाहे तो इंशाल्लाह पढ़ दो। हाँ भाई पढ़ दीजिए जावेद भाई, बहुत बिल्कुल नया काम। हाँ पूर्वी जरूर पढ़िए, मामला अधूरा रह जाएगा वरना। माशाल्लाह कई जबानों में माशाल्लाह शायरी जावेद भाई को आती है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक मरतबा रोना के कहें सुभान अल्लाह कि भाग सोए सब आपल जा गए बे मदीना गरम दे बे भाग सोए गम आपल जा गए बे मदीना शायद आपके सरों के ऊपर से निकल गया, लेकिन ये शेर मैं बंद हाजिर करता हूं। मौलाना फरमा दीजिएगा के रागे मत के दरगाह जावा दिन रात बड़े से रागे मत के दरगाह जावा दिन रात बड़े से जिकरा कदे कर खाते लैला चल से और आलू जनाब मौलाना मुरादरी साहब तशरीफ फरमा है। एक बंद मैं उनके हवाले से पेश करता हूँ। मौलाना फरमा है आप एक मौलाना बरादरी साहब कासमी के हवाले से आप तक पहुंचाता हूँ। करता हूँ और इंशाल्लाह नगर नदी की मोहब्बत आपके दिल में है तो इंशाल्लाह आप जरूर बोलिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह मुझे दूसरी जगह भी शिरकत करनी है। आपकी मोहब्बतों को सलाम, ये जावेद साहब आपकी मोहब्बतों को सलाम करता है। आप चूंकि मैं आपके घर वाला हूँ, आपका बेटा हूँ और आप हमारे भी पड़ोसी हैं। शाहिद भाई बड़ा हमारा साथ रहा, बड़े दिलदार आदमी है। एक आखिरी बद पेश करके अपनी जगह लेता हूँ। मदीने से दूर रह कर मुश्किल बजीला मदीने से दूर रह कर मुश्किल बजीला सबका बुला ले आका शगुन मदीला सबका बुला ले आका शगुन मदीला उनके चौखट चौखट उनके चौखट पर झाड़ लगाए बाई मदीना
उसके बाद इंशाल्लाह रुखसत पेश करता हूं। मौलाना फरमाए के मानो का मौला पूरी जाने दी हुई हो। मोहन साहब हजरत मौलाना रफीउद्दीन साहब जाउद्दीन साहब देखिए कब दर रात्रि से बल्कि हाफी नबी साहब बतौर खान पेश करता हूं। मौलाना फरमाए के मानो का मौला पूरी आए बाय बाय।